नमस्कार, 7N न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भूमिका, और आइए नजर डालते हैं अभी की बड़ी खबरों पर। किसानों की कर्ज माफी पर राहुल गांधी का बयान, कहा जब तक देश के हर किसान का कर्ज माफ नहीं होता हम मोदी को सोने नहीं देंगे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज, कहा मैं मीडिया से भागने वाला पीएम नहीं था। महागठबंधन पर बोले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, कहा जरूरी नहीं महागठबंधन का चेहरा राहुल गांधी हो। देश में पहली बार बनी सिर्फ महिलाओं की पार्टी, नेशनल वुमेन पार्टी लड़ेगी लोकसभा चुनाव। कमलनाथ ने प्रशासनिक सर्जरी की शुरू, छिंदवाड़ा एसपी और रीवा कमिश्नर का तबादला। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में किसानों का कर्ज माफ करने के बाद राहुल गांधी ने कर्ज माफी पर बड़ा बयान दिया है। राहुल ने कहा कि जब देश के भगोड़ों का 3.5 लाख करोड़ रुपए माफ हो सकता है तो देश के हर किसान का 2 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ क्यों नहीं किया जा सकता। राहुल ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार ने उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया है, उन्हें किसानों का भी कर्ज माफ करना चाहिए, अगर वे नहीं करेंगे तो हम उन्हें सोने नहीं देंगे, देश के किसान का कर्जा माफ करवा कर रहेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खिल्ली उड़ाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें प्रेस से बात करने में कभी डर नहीं लगा। उन्हें ये बात इसलिए कही कि क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने अब तक के कार्यकाल में कभी संवाददाता सम्मेलन आयोजित नहीं किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि वे जब विदेश भी जाते थे तो विमान में पत्रकारों से बातचीत करते हुए जाते और आते थे, अखबारों में खबर के साथ छपता था प्रधानमंत्री मोदी के विशेष विमान से। मई 2014 के बाद ये परंपरा बिल्कुल बंद है। महागठबंधन पर अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की पीएम उम्मीदवारी पर कहा कि जरूरी नहीं महागठबंधन की राय स्टालिन जैसी हो। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में शपथ ग्रहण से पहले एमके स्टालिन ने राहुल गांधी की पीएम पद के लिए पैरवी की थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल के अंदर मोदी सरकार को हराने की क्षमता है, लेकिन अब महागठबंधन में अखिलेश यादव का राहुल से किनारा करना कहीं ना कहीं महागठबंधन को बड़ा झटका है। देश में पहली बार महिलाओं की पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ेगी। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्वेता शेट्टी ने कहा पुरुष प्रधान राजनीतिक प्रणाली में पूरी तरह से महिलाओं की एक पार्टी का होना बहुत जरूरी है। हमारा उद्देश्य महिलाओं का प्रतिनिधित्व करना है, खासकर उनका जो वंचित है, और हमारे हक के लिए हम 2019 में लोकसभा चुनाव भी लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी संसद में महिलाओं को आरक्षण दिलाने और वर्क प्लेस पर उनके खिलाफ हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए काम करेगी। सीएम पद की शपथ लेने के बाद कमलनाथ ने छिंदवाड़ा से एसपी अतुल सिंह को हटाकर सर्जरी का काम शुरू किया। अतुल सिंह की जगह मनोज राय छिंदवाड़ा के नए एसपी बन गए हैं। साथ ही रीवा कमिश्नर महेंद्र चंद चौधरी को मंत्रालय में अटैच कर दिया गया है और उनकी जगह पर शेड्यूल कमिश्नर जेके जैन को अतिरिक्त प्रभार दिया गया। इसके अलावा जल्द ही 1 दर्जन एसपी कलेक्टरों को बदला जाएगा। वहीं एसआर मोहंती को भी प्रमुख सचिव के पद पर नियुक्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने निरक्षित महिलाओं की पेंशन में बढ़ोतरी की है। कमलनाथ ने पेंशन राशि 300 से बढ़ाकर 1000 रुपए करने के आदेश जारी किए। शिवराज सरकार ने ये मांग लगभग 10 साल तक उठती रही, लेकिन अधिकारियों ने उस पर ध्यान नहीं दिया था। अब कमलनाथ ने जनहित के कार्य तेजी से करना शुरू किए हैं। बड़वानी के बिलवा फाटा के समीप यात्री बस अनियंत्रित होकर खेत में जा घुसी। हादसे में 20 से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं, जिन्हें अर्जेंट अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि बस सेंदवा से बड़वानी जा रही थी, इसी दौरान ये हादसा हुआ। बस नीचे उतर गई, उसमें अगला पहिया वो फंस गया, सामने मोटरसाइकिल आ रही थी। कोई बस अनियंत्रित होकर पलटी है तो उसमें करीब हमारे पास 22 पेशेंट आए हैं जिनका प्राथमिक उपचार अंजन में हुआ था, और हमारे यहाँ रिफर होकर आए तो हमने सभी लोगों को उपचार किया है, सभी को देखा है, तो सभी की स्थिति नियंत्रण में है। महोबा से छतरपुर जा रही अग्रवाल बस ने एक वृद्ध महिला को टक्कर मार दी। हादसे में वृद्ध महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया। उधर घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। सागर में एसटीएससी मामले में आरोपी भाजपा नेता सुधीर यादव को जेल भेज दिया। आपको बता दें कि सुधीर यादव सांसद लक्ष्मी नारायण यादव के पुत्र हैं, जिन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान अभद्र भाषा और मारपीट की थी, जिसके चलते सुधीर यादव को डी के नागले कोर्ट ने उन्हें जेल भेजा है। हमारी खबरों में फिलहाल इतना ही, आप जुड़े रहिए 7N न्यूज के साथ। नमस्कार।